दोस्तों आप आपके फोन को अपडेट कैसे कर सकते हो? अगर आपके फोन में अपडेट आया है तो आपको पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से आपका फोन स्लो हैंग होता है। तो दोस्तों आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना है, लेकिन बहुत लोगों को अपडेट देना नहीं आता है, कुछ सेटिंग गलत कर लिया जिसके बाद आपका फोन अपडेट होना बंद हो गया। तो बस इस वीडियो को देखो, आप आपके फोन को कैसे सही तरीके से अपडेट कर सकते हो इस वीडियो बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही जरूरत एप्स की दुनिया में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ। तो चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप आपके फोन को अपडेट देने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो देख रहे हो बस आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है, और उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो दोस्तों यहां पे कमेंट कर देना है मोबाइल अपडेट करके। ठीक है, ये कमेंट जैसे कर दोगे कमेंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप आपके फ़ोन को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप आपके फ़ोन की सेटिंग पे जाना होगा, और फ़ोन की सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे इस तरफ से आएगा, देखो यहाँ पे साइन इन, और अगर आपके फ़ोन में अपडेट आएगा तो ऊपर ही दिखाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर अपडेट आएगा या नहीं, अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो सर्च बटन में सॉफ्टवेयर लिख के सर्च कर दो, और इस तरफ से आ जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आपको इसी सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना होगा, और फिर आपके फ़ोन में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे उसका साइज़ बताएगा, चाहे 1 GB हो या 500 MB हो, उसके MB जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड आएगा तो डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया। उसके बाद आपको डाउनलोड कर देने के बाद यहाँ पर आएगा इंस्टॉल, तो आपको करना क्या होगा, इसी इंस्टॉल पर क्लिक कर देना होगा, और इंस्टॉल पर क्लिक कर देने के बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई होकर आपका फ़ोन पूरी तरफ से इस तरफ से देख सकते हो अपडेट हो रहा है, तो आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ होकर दोबारा ऑन होगा, तो आपको यहां पे इंतजार करना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ होकर दोबारा ऑन हो रहा है, और यहां पे फुल प्रोसेस होने के लिए, अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ होकर ऑन होगा, फिर आपका फोन का पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पे मेरा फोन का पासवर्ड दे देता हूँ, और जैसे ही पासवर्ड दे दिया अभी आपका फ़ोन खुल जाएगा। फिर दोस्तों जैसे ही मोबाइल को फिर ऑन करोगे, पासवर्ड दे दोगे, उसके बाद ऊपर से क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पे बता रहा है न्यू वर्जन इंस्टॉल्ड, देख पा रहे हो यहाँ पे बता रहा है न्यू वर्जन इंस्टॉल, मतलब कि नया वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फोन को इसी तरह से फुल अपडेट कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्प लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।